नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरे YouTube चैनल नरेंद्र सिंह जाला पे आपका स्वागत है। आज हम जीवामृत के बारे में देखेंगे, जीवामृत के बनाने की विधि और उसका प्रयोग, और कैसे हाई TDS पानी में भी जीवामृत अपना कैसे काम करता है। ये TDS मीटर है और ये हमारा पानी है, इसको हम चेक करते हैं। ये 6600 तक जाता है और बहुत ही हाई TDS का पानी है, खारा पानी है, फिर भी इसमें इतनी अच्छी पैदावार हम ले रहे हैं और जीवामृत का बहुत ही अच्छा उपयोग कर रहे हैं। हर 20 दिन के बाद हम पानी के साथ 200 लीटर जीवामृत दे देते हैं, जिससे कि हमारी पैदावार अभी बहुत अच्छी। मैं मंगूबा रामाणे गांव से बोल रहा हूँ, मुंद्रा तालुको कच्छ जिलो। आप अभी देख रहे कि जीवामृत बनाने की विधि, इसमें 10 लीटर हम गौमूत्र डाल रहे हैं और उसके साथ 10 किलो गाय का गोबर इसमें डालते हैं। बनता है बेसन का आटा, बेसन का आटा 1 किलो, और 1 किलो गुड़ डाल रहे हैं, और बाद में उसके साथ गौमूत्र 10 किलो गाय का गोबर, 1 किलो चने आटे का लोट और 1 किलो गुड़, ये सब मिलाकर 200 लीटर की टंकी में एक साथ बाकी पानी मिलाएंगे तो ये जो जीवामृत बनेगा वो 1 एकड़ जमीन का माप हुआ। एक बार एक डोज दो हो तो एक डोज में एक बार में ये सब विधि से बना के इसको 3 दिन मतलब 72 कलाक इसको रखना पड़ता है और सुबह शाम उसको हलाने का है और उसके सूर्य का किरण ना आए, उसमें कंतान अथवा कोई भी कंतान का अथवा कोई भी ये कोथा आए तो उसको ढंग के रखने का है और 72 कलाक में वो हो जाएगा तैयार। 15 दिन के अंदर वो देना पड़ता है, उसमें नाइट्रोजन का बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। और जो हम ये सब देते हैं उसके साथ ये जीवामृत बना के इस टंकी में डाल के यहाँ से हम देते हैं, ये जीवामृत है, ये तैयार जीवामृत जो ये बना हुआ है तो इसको यहाँ से हम दे सकते हैं। यहाँ से चालू होगा पानी के साथ मोटर चल रही है। ये मेरा खेत है और हम यहाँ
पिछले 7 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम है और हमारी ज़मीन और पैदावार बहुत ही अच्छी है। तो आप भी जैविक खेती कीजिए, नेचुरल फार्मिंग कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि वो रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती की ओर आए। जय हिंद। 4500 TDS है, इसमें हम देसी गाय का गोबर और जीवामृत बना के देते हैं। आप देख रहे हैं ये रचका है, तो ये रचका की हाइट है वो 3 फुट के आसपास ये आती है। तो 1 फुट भी DAP यूरिया डालो तो भी नहीं आती है कभी। ये 3 फुट हाइट आप देख रहे हैं कि रचके में ये इतना रचका कोई भी खातर से भी नहीं हो सकता। तो आप देखते हैं कि धीरज का हमारा यहाँ 3 फुट का हो रहा है। यह जीवामृत का चमत्कार है।